क्वालिटी ओवन फ्रेश, जो बच्चों की सेहत से करे प्यार, वो क्वालिटी ब्रेड से कैसे करे इनकार। हमारा पता है आरा मोड़, रेलवे गेट नंबर 1, धनबाद। मोबाइल नंबर 7004067520। दुमका में बहन अंकिता को पेट्रोल छिड़क कर जला देने वाले के ऊपर सख्त कार्रवाई ना होने से बजरंग दल ने मुख्यमंत्री का किया पुतला दहन। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक बजरंग दल ने दुमका में बहन अंकिता को जलाकर मारने वाले के ऊपर कठिन कार्रवाई को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का किया पुतला दहन। बजरंग दल के सदस्य द्वारका तिवारी ने मीडिया को बताया कि दुमका बहन अंकिता को जिहादी शाहरुख ने खिड़की से पेट्रोल फेंक कर जला दिया। दुमका की बहन अंकिता के अपराधी कट्टरपंथी जिहादी शाहरुख एवं उनके साथियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल कर फांसी देने की मांग को लेकर कट्टरपंथी जिहादी एवं मुस्लिम तुष्टिकरण करने वाले सरकार का पुतला दहन झारखंड प्रांत के सभी जिलों में किया जा रहा है। झारखंड में प्रतिदिन जिहादी मानसिकता वाले कट्टरपंथियों के द्वारा हिंदू बहनों को लक्षित करके प्रताड़ित करने का काम निरंतर चल रहा है। लव जिहाद के शिकार हुई बहनों की हत्या करना जिहादियों के आम बात होता चला जा रहा है। हिंदू समाज इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। विश्व हिंदू परिषद ने निर्णय लिया कि अब सरकार जिहादी मानसिकता को कुचलने का काम नहीं करती है, तो इस परिस्थिति में हिंदू समाज सड़कों पर उतरेगा। बहन अंकिता को रांची में इलाज के दौरान मौत हो गई। उसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया है, जबकि सरकार इस आरोपी के ऊपर सख्त कार्रवाई करने से बच रहे हैं, जिसको लेकर बजरंग दल ने सूबे के मुख्यमंत्री का पुतला दहन और मांग करते हुए जल्द से जल्द आरोपी को सख्त सजा दिया जाए, ताकि दूसरा शाहरुख जिहादी पैदा ना हो और अंकिता जैसे बहन को इंसाफ मिल सके। उनको भी जानकारी होगा कि अभी दुमका में अपने बहन अंकिता को जिस प्रकार से एक शाहरुख नाम का लड़का ने घर में घुसकर और पेट्रोल छींटकर जिस तरह से जलाया है, उसी के जो है हम लोग आज विरोध में धनबाद महानगर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आक्रोश रैली निकाले हैं। झारखंड में जिस प्रकार की इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है, मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप इस तरह की जो कार्रवाई हो रही है ये आपके संरक्षण में हो रही है। आपने बढ़ावा दिया है जिसके कारण हमारी बहनें बेटियां जो है आज जो है जलाई जा रही हैं। हम धनबाद महानगर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से मांग करते हैं कि जो भी इसके हत्यारे हैं और भी उनके साथ जो लोग भी मिले हुए हैं, उन सभी को आप जो है जल्द से जल्द आप अरेस्ट करें और उन पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से आप उनको फांसी का सजा दिलाने का काम करें। नहीं तो ये झारखंड जो है हमारा इसी तरह से हमारी बहन बेटियां को जलाया जाएगा और हमारी बहन बेटियों सुरक्षित नहीं है। आए दिन आप धनबाद में भी देख रहे होंगे, झारखंड के विभिन्न ज़िलों में आप देख रहे हैं कि हमारी बहनें हमारी माताएँ सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ये मांग करता है कि यदि आप इसको सुधारने का काम नहीं करेंगे तो हम खुद स्वयं अपने हाथ में इसको लेंगे और फिर आपको सरकार चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो प्रयास चल रही है और सभी करीब करीब सभी जगह पर इसकी जो है कानून बनी हुई है, लेकिन ये झारखंड सरकार जो हम लोगों के विरोध में काम करते रह रही है हिंदू समाज का, ये जो है खासकर उस कानून को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। हम लोग जो है अब जाग चुके हैं, अभी भी हम चेतावनी के रूप में ही काम कर रहे हैं, समझाने का ही काम कर रहे हैं, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को आपने देखा है कि इस कितनी बड़ी हनुमान की सेना है ये। इसलिए सरकार से हम मांग करते हैं कि आप इसको कानून जो बना हुआ है उसको आप इम्प्लीमेंट करने का काम करें और जो है उसको अरेस्ट करने का काम करें। नहीं तो ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जैसे ही जागेगा और आपको फिर देश में क्या हलचल होगी ये लोग जानते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण बहुत सा आपके पास में है, अयोध्या में आपने देखा क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति बनी हुई है। तो मैं पुनः झारखंड के हेमंत सरकार से मांग करता हूं कि आप इस पर जितनी जल्द से जल्द हो आप जो है कोर्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से आप उनको फांसी का सजा दिलावें और जो भी आपके ज़िले में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं उनका छानबीन करें। आप अपना CBI लगावें, CID लगावें और इस तरह के कार्य को बंद करें। नहीं तो ये जो है हिंदू समाज जग चुका है, फिर आपको Thank you.
ऑर्गेनिक टमाटो केचप। धनबाद के किसानों द्वारा जैविक विधि से उत्पादित टमाटर का बिल्कुल शुद्ध उत्पाद है। टमाटर की खेती भी कृषि विशेषज्ञों के देखरेख में बिना किसी हानिकारक कीटनाशक के प्रयोग से की जाती है। कोपल किसानों के समृद्धि के साथ रखती है लोगों के सेहत का ख्याल। तभी तो कोपल कहता है, आप रखें किसानों का ख्याल और वो रखेंगे आपकी सेहत का ख्याल। किंग्स ऑर्गेनिक टमाटो केचप, शुद्ध खाओ, स्वस्थ रहो।